दोस्तों, हम सभी को जानवर पसंद होते हैं, मगर जब भी बात कीड़ों की आती है तो हम सभी अपना मुंह फिरा लेते हैं, क्योंकि ये कीड़े न केवल दिखने में डरावने होते हैं, साथ ही साथ ये काफी बदबूदार और घिनौने भी दिखते हैं। मगर आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े कीड़े मकोड़े, तो चलिए देखते हैं जो कि असल में एकदम रियल है। एटलस बीटल। एटलस बीटल डायनासोरस बीटल से ताल्लुक रखते हैं। इनका नाम ग्रीस के मैथोलॉजी कैरेक्टर एटलस से आया, जिनमें मेल बीटल फीमेल के मुकाबले काफी बड़े होते हैं, जो कि 13 सेंटीमीटर तक बड़े हो जाते हैं। इनके बड़े से लार्वा अपने अजीब से बिहेवियर के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि छूने पर किसी को भी काट देते हैं। और माना जाता है खाना ना होने की स्थिति में ये लार्वा एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये बीटल साउदर्न एशिया के इंडोनेशिया में बड़ी मात्रा में भी पाए जाते हैं। फायग्रेंस्टिका चाइनीज ज़ोन। 2016 तक ये चीनी कीड़ा, जो कि स्टिक इंसेक्ट के नाम से भी जाना जाता था, जिसे लंदन के हिस्ट्री म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसमें इसकी लंबाई 56.6 सेंटीमीटर है, और अगर इसकी टांगों को इंक्लूड ना किया जाए तो ये कीड़ा 357 mm लंबा है। मगर 2016 में स्टिक इंसेक्ट की सबसे बड़ी प्रजाति साउदर्न चाइना में पाई गई, जिसकी लंबाई 62.4 सेंटीमीटर थी, जिससे ये दुनिया का सबसे लंबा कीड़ा बन गया, जिसका नाम इसे ढूंढने वाले साइंटिस्ट जाओ ली के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे ढूंढने में काफी साल गुजार दिए। जायंट वाटर बग। ये खतरनाक कीड़े, जिन्हें टो बीटर और एलिगेटर टिक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने बड़े साइज के कारण दुनिया के सबसे बड़े बीटलों में गिने जाते हैं। ये जायंट वाटर बग लगभग 4 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जो कि पानी के स्रोतों में पाए जाते हैं, जो कि अपने डंक से असहनीय दर्द भी पैदा कर देते हैं। और जब यह कीड़ा अपने शिकार को पकड़ता है तो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम अपने शिकार के अंदर छोड़ देता है। Is injecting them with a paralyzing venom, which is why it isn't recommended to handle. जिसके थोड़ी देर के रुकने के बाद वह अपने शिकार को पूरा चूस लेता है। गॉइटर रीजियस। अफ्रीका में इस वक्त बहुत ही बड़े बीटल पाए जाते हैं, जो कि 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जिनका वजन लार्वा स्टेज में 99 ग्राम तक हो जाता है, जो कि ना केवल बड़े होते हैं साथ ही साथ ही काफी सुस्त भी माने जाते हैं, जो कि दिन में सूरज निकलने के बाद भी बाहर निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टीनेजर घर में काफी देर तक सोए रहते हैं, जो कि उड़ना भी जानते हैं, जो कि सिर्फ तभी उड़ते हैं जब इन्हें अपनी जान बचानी होती है, जो कि खाने में सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना पसंद करते हैं। एंथ्रोप्लोरा। अगर आपको कीड़ों से डर लगता है तो यकीनन आप अभी तक दिखाए हुए उन सभी कीड़ों से नहीं मिलना चाहेंगे, मगर इस कीड़ों को आप अपने सपने में भी नहीं मिलना चाहेंगे। एंथ्रोप्लोरा, जो कि 8 फुट तक लंबे और 2 फुट तक चौड़े होते हैं, जिनकी बॉडी में मौजूद दर्जनों पैर बिल्कुल किसी सेंटीपीड की तरह ही चलते हैं, जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े कीड़े माने जाते थे, जो कि खुशकिस्मती से धरती से इस वक्त विलुप्त हो चुके हैं। एक्टाइओन बीटल। एक्टाइओन बीटल भी राइनोसोरस बीटल की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम ग्रीक मैथोलॉजी के कैरेक्टर पर रखा गया है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बीटल में से एक है, जो कि 7 सेंटीमीटर तक हो जाते हैं, जिनका एंटीना से पाउंड तक लंबाई 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जिसमें मेल फीमेल के मुकाबले काफी बड़े होते हैं, जो कि खासकर साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसे वेनेजुएला, ब्राजील और पेरू में पाए जाते हैं। थाइसिनिया एग्रिपिना। अगर आप साउथ अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं तो इस बड़ी सी तितली के पास से गुजर जाने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा, जिसका विंग स्पैन 12 इंच तक बड़ा हो सकता है, जो कि कई बार अपने खास कलर के कारण दिखाई भी नहीं देती, जो कि खासकर पेड़ों की छालों पर बैठी रहती है, और अक्सर लोग इस तितली को इसके बड़े आकार के कारण इसे चमगादड़ भी समझ लेते हैं। मिगान न्यूरो पर्सिमैनिया। ये कीड़ा, जो कि ग्रीन फ्लाई की फैमिली से ताल्लुक रखता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के कुछ खास हिस्सों में ही पाए जाते हैं, जो कि उड़ने वाले सबसे बड़े कीड़ों में से एक है, जो कि 1937 में हुए शोध में पाया गया था कि ये धरती में मौजूद सबसे बड़ा कीड़ा है, जो कि उड़ सकता है, जिसके पंखों का फैलाव 710 mm तक हो सकता है, और सर से पूंछ तक इसकी लंबाई 43 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एलिफेंट बीटल। ये बीटल भी राइनोसोरस बीटल फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिसमें मेल 13 सेंटीमीटर तक हो जाते हैं, वहीं फीमेल इनके मुकाबले 2 से 3 गुना छोटी होती है, जो कि काले कलर में देखे जाते हैं, जिनके शरीर में हमें छोटे छोटे बाल भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैक्सिको, अमेरिका और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग। ये दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई, जिनका विंग स्पैन 1 फुट तक हो सकता है, जो कि पापुआ न्यू गिनी के कुछ दुर्गम स्थानों में ही पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले इसे एक गन की सहायता से मारकर पहली बार दुनिया को दिखाया गया था। वेस्ट के कुछ हिस्सों में अत्यधिक हिस्सों में खेती करने और जंगल कटने की वजह से इन तितलियों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। जायंट बोरोइंग कॉकरोच।
ये बड़े से कॉकरोच जिन्हें राइनोसोरस कॉकरोच के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे भारी भरकम कॉकरोच है, जिसे आप अपने घर में कभी नहीं देखना चाहेंगे। दूसरे कॉकरोच की तरह इन कॉकरोचों में पंख नहीं देखे जाते, जो कि इकोसिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि सड़ी हुई पत्तियां खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इन्हें पालना भी पसंद करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले कॉकरोच 10 साल तक जी सकते हैं और आकार में 3 इंच तक बड़े हो सकते हैं। टैरेंटुला वॉस्प, ये बड़े से वॉस्प जो कि इतने बड़े और खतरनाक होते हैं, जो कि किसी वयस्क टैरेंटुला मकड़ी को भी मार डालते हैं, जिनके पैरों में हुक होते हैं जो कि शिकार के शरीर में गाड़ देते हैं, जिनका डंग दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक भी माना जाता है, जो कि खुशकिस्मती से इंसानों के पास नहीं आते, जिनसे दूर रहने में आपकी भलाई है। मैक्रोडोंटिया सर्विकॉर्निस, ये दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा जो कि 17 सेंटीमीटर तक बड़ा माना जाता है, जिसके नाम का अर्थ होता है बड़े दांत और हिरन के सिंह, जिसे कई जगह सेबर टूथ के नाम से भी जाना जाता है, जिनके जिंदगी का ज्यादातर समय लार्वा के समय ही बीत जाता है, जो कि 10 साल तक जी सकते हैं। हॉर्नेट, किसी भी दूसरे वॉस्प की तरह ये भी छत्ते में रहना पसंद करते हैं, जो कि आकार में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इनके कवच इतना मोटा होता है कि मधुमक्खियां इनके शरीर को भेद भी नहीं पाती, जो कि अपने डंग के कारण काफी मशहूर है, जिनका डंग काफी दर्दनाक होता है, जो किसी दूसरे कीड़े के मुकाबले बहुत ही ज्यादा जहर व्यक्ति के शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। मेंटिस, दुनिया का सबसे बड़ा मेंटिस साउदर्न चाइना में 1929 में देखा गया, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो कि बहुत ही निडर इंसेक्ट माने जाते हैं, जो कि दूसरे कीड़ों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, जो कि इतने बड़े शिकारी है कि चिड़िया, चूहे और सांप तक को अपना शिकार बना डालते हैं। टाइटन बीटल, टाइटन बीटल को दुनिया का सबसे डरावना इंसेक्ट भी माना जाता है, जिसमें सबसे बड़ा बीटल 16.7 सेंटीमीटर का देखा गया, जो कि काफी भारी भरकम होता है, जिनसे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं, जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा डरावने होते हैं। जायंट प्रिकल स्टिक, ये कीड़े की प्रजाति जो कि कैक्टस जैसी दिखती है, जो कि काफी दुर्गम स्थानों में ही पाए जाते हैं, जिसके शरीर में छोटे छोटे कांटे भी दिखाई देते हैं, जो कि किसी कैक्टस प्लांट की तरह ही दिखते हैं, जो कि ब्राउन ग्रीन और लाइट ब्राउन कलर में देखे जाते हैं, जिनकी बॉडी का कलर वहां के वातावरण के हिसाब से तय होता है। तो आपको इनमें से कौन सा इंसेक्ट सबसे ज्यादा डरावना लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।